हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय वर्मा, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड एजुकेशन ट्रेनर. वेलकम यू एट आवर चैनल लॉर्ड्स क्रिएशन. आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर. वो है रिज्यूमे कैसे बनाएं. हमारे वीडियोस के कुछ व्यूअर्स ने ये एक डिमांड की थी कि रिज्यूमे के बारे में और इंटरव्यू स्किल्स के बारे में कुछ वीडियोस बनाइए. तो आज मैं ये रिज्यूमे के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूं. दोस्तों, कुछ चीजें हैं मेरी लाइफ की, वो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में. अपने 20 साल के अनुभव में, एक्सपीरियंस में, मैंने पिछले 10 सालों में बहुत से इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं. तो एक इंटरव्यू के तौर पर मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि आप रिज्यूम कैसे बनाएं और किस तरह के रिज्यूम को एक एम्प्लॉयर को या इंटरव्यूअर को इंप्रेस किया जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाए जाते हैं. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रिज्यूमे क्या होता है. रिज्यूमे एक्चुअली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, इट्स ए ब्रीफ समरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग हिज इंट्रोडक्शन, हिज क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस. किसी भी इंडिविजुअल के उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें कौन कौन से स्किल्स हैं, इन सभी का एक ब्यौरा, एक समरी रिज्यूमे में होती है. जब भी आप कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी सेक्टर में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रीज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको सबसे पहले कहा जाता है कि आप रिज्यूम अप्लाई कीजिए, रिज्यूम आप भेजिए. और हम क्या करते हैं, एक रिज्यूम बनाते हैं. तो आपको मैं बताता हूं कि एक अच्छा रिज्यूम एंड इफेक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, किस तरह से इसको ड्राफ्ट करें और किस तरह से इसको बनाएं, जो कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है टू द एम्प्लॉयर, टू द इंटरव्यूअर, वो बेस्ट जाए, बढ़िया जाए. चलिए शुरू करते हैं. इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे हम कि एक रिज्यूमे के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या इंपोर्टेंस होती है, उनको हम कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे बनाएं हम. वैसे रिज्यूमे बनाना बहुत ही ईजी है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे स्टार्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस. दूसरे के रिज्यूमे लेके उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसमें अपनी चीजें एडिट कर देते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं करें, ये इट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव एज एन एम्प्लॉयर. अगर कोई भी आपको रिज्यूमे को देखेगा, क्योंकि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, 40, 50, 100 ऑफ रिज्यूमे होते हैं. जब उनको वो पढ़ते हैं तो क्या होता है, अगर कॉपी पेस्ट होगा तो वो क्या है कि वो एज्यूम कर लिया जाएगा, वो इजीली आपका पकड़ में आ जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है. तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने रिज्यूमे को कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक रिज्यूमे बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें हम हमारा नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर्स देते हैं. हम उसमें आपने अपना पूरा नाम विद सरनेम, आपके कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर आपका है वो दीजिए, आपका मेलिंग एड्रेस है वो दीजिए, अपनी पिक भी आप लगा सकते हैं. तो ये सबसे पहला होता है, इट्स एन इजी टास्क. सेकेंड जो रिज्यूमे का पार्ट होता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज टू शो योर विजन, ऑब्जेक्टिव. भी आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या एक विजन है किसी जॉब के प्रति, कि आप वो जॉब क्यों करना चाहते हैं. बहुत सारे तरीके हैं इसके लिखने के, मैं आपको इजीएस्ट वे बताऊंगा इसको हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू ऑब्टेन ए पोजीशन इन एन इंस्टीट्यूशन, इन ए कंपनी, और यू कैन से लुकिंग फॉर ए पोजीशन, और सम अदर वे वी कैन गो टू सम अदर लेवल, दैट इज लुकिंग टू कंट्रीब्यूट माई सेल्फ, लुकिंग टू कंट्रीब्यूट माई एक्सपीरियंस, लुकिंग टू कंट्रीब्यूट माई एक्सपीरियंस इन द प्रोग्रेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इन द ग्रोथ ऑफ ए कंपनी, एन इंडस्ट्री. थ्रो वट? थ्रो योर स्किल्स, योर अचीवमेंट्स, थ्रो योर एक्सपीरियंस. सो मीन्स आपको ये दो या तीन बातें आप ध्यान रखनी है. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लुकिंग टू कंट्रीब्यूट योर एक्सपीरियंस इन टू एन इंस्टीट्यूशन, कंपनी और इंडस्ट्री, वेयर यू कैन प्रूव योर सेल्फ, वेयर यू कैन
prove your qualities, prove your all the qualities which you are having in a meaningful way, in a valuable manner. So इस तरह से आप sentence बनाइए, means बहुत ज्यादा complicated नहीं होना चाहिए, because whenever an employer is observing your resume, in the very first instance he is observing, he is checking your vision. And most of the time, we kind of people who are interviewers, वो ये देखते हैं कि किस vision से, किस सोच से एक person है वो interview देने आया है. तो आपकी सोच झलकती है, आपका नजरिया झलकता है, आपका एटीट्यूड झलकता है कि आप एक जॉब क्यों करना चाहते हैं. तो उसके अंदर आपको अपने एक्सपीरियंस का जिक्र कर सकते हैं, आप उसमें जिक्र कीजिए उस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ का जिक्र कीजिए, आप उस कंपनी की ग्रोथ का जिक्र कीजिए, आप अपनी स्किल्स का भी कुछ पुट डाल सकते हैं थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, थ्रू योर लीडरशिप स्किल्स, थ्रू योर अचीवमेंट्स. इनके थ्रू आप क्या कि यू कैन प्रूव योर सेल्फ इन टू द इंस्टीट्यूशन, आप प्रूव करना चाहते हैं. तो ये सभी बातें आपको थोड़ा सा कहेगी, आप अपने तरीके से इनको ऑब्जर्व कीजिए, अपने तरीके से इनको आप ड्राफ्ट कीजिए, आपको अपने विजन और ऑब्जेक्टिव में. द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन, मींस हियर यू हैव टू मेंशन योर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मींस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर हायर क्वालिफिकेशन, देन हायर टू लोअर अप टू द लोएस्ट, मींस यू हैव टू एक्सप्रेस, यू जस्ट टेल अबाउट योर year of passing the exam or course, you have to tell about the university or board from where you got passed, or marks also you can say. Sometime कुछ लोगों को लगता है कि हमारे marks बहुत कम आए हैं, क्या हमें लिखना चाहिए? देखिए दो बातें होती हैं, अगर आप एक experienced person हैं, अगर आपको 8 से 10 साल का experience हो चुका है किसी job में, तब आपके marks मायने नहीं रखते. तब आपको अगर marks आप नहीं भी show करते हैं तो कोई बात नहीं. बट इफ यू आर ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर होने के नाते क्या है कि एक इंप्लॉयर के पास, एक इंटरव्यूअर के पास आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं है, आपके मार्क्स ही होंगे, आपके अचीवमेंट्स ही होंगे. इसलिए ये ध्यान रहे कि आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आपको मार्क्स शो करनी है नहीं करनी. उसके अलावा अगर आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर कोई रहे हैं, आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, उनको भी आप मेंशन करना नहीं भूलें. फोर्थ जो पार्ट है हमारा, that is the most important part, that is your work experience, means आपका experience कितना रहा है, किस तरह का रहा है. इसमें आप क्या करेंगे, you have to start from your present job profile, आज जिस job में है, present job profile आपकी है, वहां से start करके to the oldest तक आपको क्या है कि भी 2, 4, 5 जितने भी institutions में, companies में, industries में आपने काम किया है, उन सभी को आप क्या है कि और लेटेस्ट से लेके अप टू द ओल्डेस्ट तक आपको उसको लेके जाना है और आपको एक्सप्लेन करना है. उसके अंदर एक चीज और है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और मींस इंटरव्यूअर हमेशा सर्च करता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड वाइल टेकिंग ए पोजीशन. देखिए क्या होता है, बहुत सी कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में समय समय पर बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन टू द एम्प्लॉइज, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. आपके कोई एनुअल फंक्शन है, आपका एनुअल प्रोग्राम है आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो डेडिकेटेड कमिटेड जो वर्कर्स होते हैं उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं. तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इस तरह की जो भी आपने अचीवमेंट्स रही हैं, उनको आपने जरूर मेंशन करना है अपने एक्सपीरियंस के अंदर. उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं, आपको आप एम्प्लॉई ऑफ द ईयर, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, या आपको कोई स्पेशल एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला है कहीं से भी, तो इस तरह की चीजें अगर आपके पास हैं तो आप जरूर मेंशन करें. थर्डली, अगर आपने कोई भी सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वेबिनार्स अटेंड किए हैं आपने, तो आपको वो भी जरूर मेंशन करने पड़ते हैं. उनको मेंशन करते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. मान लीजिए आपने अपने रिज्यूमे को इंप्रेसिव बनाने के लिए आपने बहुत सी चीजें लिख दी हैं, यू हैव अटेंडेड सेमिनार ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन टीम मैनेजमेंट, ऑन टाइम मैनेजमेंट, और जब आपसे इंटरव्यू ऑफिसर आपसे पूछेगा, यू जस्ट टेल मी अबाउट योर आइडियाज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो इट वुड बी एक्सट्रीमली नेगेटिव फॉर यू, आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए ध्यान रखना है आपने आपको कि आपको वही चीजें मेंशन करनी है, वही अचीवमेंट्स, वही एक्सपीरियंसेस, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप हैंडल किए हैं, और वही जो सेमिनार्स और वेबिनार्स अटेंड किए हैं वो आपको मेंशन कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज हो. तो हमारा ये फोर्थ पार्ट था एक्सपीरियंस, इस तरह से आपको रिज्यूमे में शो करना है. फिफ्थ पार्ट है रेफरेंसेस.
रेफरेंस भी क्या होता है कि अगर आप सिलेक्टेड हो गई हैं तब एम्प्लॉयर एंट्रोवे देखता है कि कुछ रेफरेंसेस जो आपकी बैकग्राउंड को आपके बारे में और आपके डायरेक्ट बिहेवियर्स को ऑब्जर्व देखने के लिए पहचानने के लिए और उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए रेफरेंसेस का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आप देखें कि जो आप आज जिस पोजीशन में काम कर रही हैं उसके जो आपके बॉस हैं, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं, हेड ऑफ द कंपनी हैं, सीईओस हैं, अगर उनका रेफरेंस आप दे पाते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक इंप्रेशन सदा से इंटरव्यूअर के दिमाग में रहना चाहिए कि आप कोई जॉब छोड़ के नहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू यू फॉर द सेक ऑफ सम ग्रोथ, नॉट फॉर द सेक ऑफ लिविंग सम जॉब। तो इसलिए क्या है, अगर आप प्रेजेंट जो एम्प्लॉयर आपका उसके अगर हेड्स के अगर आप रेफरेंस नंबर देते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो वो आप ध्यान रहे रेफरेंसेज आपके ऐसे होने चाहिए। दूसरी बात, रेफरेंसेज आपके फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, आप कंप्यूटर्स में हैं, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में अगर आपने जॉब अप्लाई कर रहे हैं या उसमें अगर आपका एक्सपर्टाइज है तो आपका रेफरेंस भी कुछ उसी तरह के फील्ड से रिलेटेड रिक्रूटेड पर्सन का होना चाहिए, सो दैट जो एम्प्लॉयर आपका वो अगर कंफर्म करना चाहे आपके बारे में तो आपके बारे में वो एग्जैक्टली जान सके कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हैं। तो ध्यान रहे रेफरेंसेस। लास्ट जो हमारा है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर्सनल डिटेल, मींस पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप अपनी अपने फैमिली के बारे में, अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन के बारे में, और उसमें हम अपने हॉबीज के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हॉबीज के बारे में भी मैं दोबारा से कहूंगा, आप ऐसे ही हॉबीज शो करें जिनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होती है। नेवर ट्राई टू इंप्रेस द इंटरव्यूअर थ्रू योर रॉन्ग कंसेप्शन, गलत बातों से कभी इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। इंटरव्यूअर को हमेशा से क्लैरिटी पसंद होती है, वो हमेशा ये देखता है कि आपने जो कुछ लिखा है वो क्लियर है कि नहीं है, या फिर आप रियल में उसमें एक्सपर्टाइज है या नहीं है। मान लीजिए आपने हॉबी लिख दी रीडिंग बुक्स, इट्स वेरी इजी टू राइट, बट इफ समबडी विल आस्क, इंटरव्यू विल आस्क यू ओके विच बुक रिसेंटली यू हैव रेड, तब आप क्या करेंगे, आपको उस बुक की नॉलेज होनी चाहिए, उस बुक की डिटेल्स की, ऑथर्स की, क्योंकि आपकी हॉबी है वो। तो आप ध्यान रहे इस बात का कि जो भी आप हॉबी लिखें उसके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप उसको उसके बारे में सब कुछ सोच के जाइए, आप देखिए कि किस तरह की बुक्स आपने रिसेंटली पढ़ी है, उनके बारे में डिटेल्स पढ़िए आप। उसके अलावा आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी आप अपने पर्सनल डिटेल में शो कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल जो मीन्स आपकी एडिकेट्स क्या क्या है, आपके अंदर आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। वीकनेस भी है, वीकनेस पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें क्या है कि वीकनेस नहीं लिखनी चाहिए, एक या दो छोटी मोटी बातें हम लिख सकते हैं, बट वी आर नॉट टू गो डीप इन टू द वीकनेसेस, वी शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स को भी हमें फोकस करनी चाहिए। तो दीज आर द सिक्स कंपोनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन योर रिज्यूमे। ये एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने पाया है, बहुत से रिज्यूमे देखे हैं, रिज्यूमे जो बिल्कुल सिंपल और जो बिल्कुल जो पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी है उसको अगर आप उसी को रिफ्लेक्ट करता है तो उस रिज्यूमे को बेस्ट रिज्यूमे माना जाता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में उसको बनाइए, आप उसको बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज में तैयार कीजिए, बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रहे सिंपल से सिंपल वर्ड्स में जिनको आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए, आप अपने आप को डिफाइन कर पाए हर लेवल के ऊपर जितनी भी बातें लिखते हैं, तो रिज्यूमे बनाते वक्त आप इन चीजों का ध्यान रखें। तो ये था आज का टॉपिक, हाउ टू मेक रिज्यूमे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, सो टेक केयर ऑफ इट। एट द सेम टाइम आई विश यू ऑल, दैट मीन्स यू शुड गो फॉर द जॉब्स, यू शुड गो फॉर द इंटरव्यूज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर coming interviews. In the last, again I am requesting you all, if you like this video, please comment and subscribe my channel. Thank you very much.